गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मोना, मेरे चैनल का नाम है मोना हाउसवाइफ ऑल इन वन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फर्स्ट बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मेरा यहाँ पर नाश्ता पानी सभी कम्प्लीट हो गया है, मेरा भी नहाना कम्प्लीट नहीं हुआ है, मैं नहाऊँगी बाद में। तो मैं नहाने से पहले जो भी जूठा बर्तन हो जाता है नाश्ता पानी का तो सभी मैं खाली कर करके मांज दूंगी। तो हॉट पॉट भी मैं निकाल दी, कढ़ाई भी खाली कर दी और मेरा किचन नाश्ता से पहले भी पूरा क्लीन हो जाता है, नाश्ता बनाने के बाद भी क्लीन हो जाता है और दोपहर में खाना बनाने के बाद भी क्लीन हो जाता है। तो मेरा किचन सब समय आपको साफ ही मिलेगा, कभी गंदा किचन में काम करने में मन ही नहीं लगता है मेरा। उससे पहले मैं बाज़ार भी चली गई थी, बाज़ार से आने के बाद ही मैं ये सब काम कर रही हूँ। तो आज दिन है रविवार का, आज मेरा इच्छा किया था मच्छी का माथा देके दाल खाने का और साथ में कसा कसा एक मच्छी बनता है तो उसे करने का। तो बेटा से मैं मच्छी मंगाई थी तो वो कम मच्छी लेकर आ गया था, तो फिर मैं बाज़ार गई, फिर मैं अपने हिसाब से जो मेरा इच्छा था सो मैं लेके आई, साथ में धनिया पत्ता, हरा मिर्ची। और बहुत दिन हो गया था मैं अपने हेयर में मेहंदी नहीं लगाई थी तो मेहंदी भी लेके आ गई हूँ, नूपुर मेहंदी छोटा छोटा पाउच करके है, 3 पाउच लेके आई हूँ। और ये देखिए, इसमें मैं पहले भी मच्छी रखी थी और जब मैं डबल लेके आई मच्छी का माथा वो कम लेकर आ गया था, तो उसमें तो होता नहीं तो मैं फिर से बाज़ार जाके लेके आई हूँ। 5 मिनट का रास्ता है मेरे घर से, ज़्यादा दूर है ही नहीं मच्छी बाज़ार, तो मैं खुद ही चले जाती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो फ्रेंड्स नॉनवेज है, जो जिनको ये पसंद नहीं है ये सब देखने के लिए, तो वो लोग साउंड को म्यूट करें लेकिन वीडियो को फुल वॉच कर ले। और मैं ये सब साफ़ सफाई करने के बाद मच्छी धो के मैं इसमें हल्दी नमक लगा के रख देती हूँ, फिर मैं नहा कर आऊँगी तभी मैं बनाऊँगी। और पूरी रेसिपी मैं शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैं पहले भी मेरे चैनल पर मच्छी का माथा दे के दाल का रेसिपी पहले भी मेरा चैनल पर दिया हुआ है। उसके बाद मैं नहा ली, नहाने के बाद मेरा पूजा पाठ देख ही सकते हैं, पूजा पाठ शेष हो गया, मेरे ठाकुर जी नहा लिए हैं, भोग भी लग ही चुका है। तो आज है रविवार, तो रविवार में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पूजा करने में, तो मैं वीडियो भी इनका थोड़ा सा बना ही लेती हूँ। अब चलते हैं किचन में काम करने के लिए। और मूँग दाल को मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ, मूँग दाल में ही बनाते हैं, तो मैं फुल रेसिपी नहीं दिखाई हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, थोड़ा सा ही दिखाई हूँ। तो बस मेरा उधर दाल बॉईल हो रहा है और इधर मैं मच्छी भाजा कर ले रही हूँ। तो आज का मेरा खाना है, अब तो मेरा सिंपल खाना हो नहीं रहा है, ठंड का दिन है और मैं जहाँ पे रहती हूँ कोलकाता में, तो यहाँ के लोग तो वेजिटेरियन होते नहीं हैं, होते होंगे, बहुत सारे होते होंगे लेकिन मेरे फैमिली में नहीं है। मेरे फैमिली में एक दिन बात करके डेली हो ही जाता है, तो और मुझे भी बनाना पड़ता है और कुछ कर ही नहीं सकते। 32 बार था तो मैं कंट्रोल करके चल रही थी पर अब नहीं हो पा रहा है, मैं अब कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, बना रही हूँ। ये मिर्ची का डंडी मैं तोड़ के रख दी हूँ और नाश्ता नहीं कर पाई तो ये बिस्किट है, तो मैं ये बिस्किट ही खा लूँगी। धनिया पत्ता को भी करना, ये चॉपिंग बोर्ड मैं दिखा रही थी, ये चॉपिंग बोर्ड बहुत स्लिप करता है, मैं इसमें कुछ काट ही नहीं पाती हूँ, न्यू है, बहुत स्लिप करता है तो मुझे दूसरा चॉपिंग बोर्ड लेकर आना पड़ेगा। और खीरे का रायता भी बनाना है, देखते हैं टाइम मिलेगा तो बन जाएगा मेरा खीरे का रायता। और मैं मच्छी भाजा करके रख ली हूँ और ये पेटी का मुझे अलग से कसा कसा बनाना पड़ेगा। तो बस मैं वो मैं मच्छी का ही दिखा रही हूँ, वो भी पूरा रेसिपी नहीं दिखा रही, थोड़ा सा ही दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को ख़राब ना लगे। अब मैं बंगाल में हूँ तो मुझे तो दिखाना ही पड़ता है, मेरा तो खाना ही यही सब है तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। और ये देखिए मेरा मच्छी बनकर रेडी हो गया है, पूरा कसा कसा बना है, ग्रेवी बिल्कुल भी मैं नहीं रखी हूँ, दाल तो है ही तो दाल के साथ में ये हो जाएगा। तो आज का मेरा सिंपल सा खाना यही है और रात का खाना मैं कुछ और बनाने वाली हूँ। तो आज का मैं सुबह से ही शुरू कर दी हूँ अपना ब्लॉग बनाने के लिए, दाल भी मेरा रेडी हो गया है देख ही सकते हैं, तो हम लोगों का 3 जन के लिए इतना सा काफ़ी होता है। उसके बाद मैं पूरा किचन को साफ़ सुथरा कर दी हूँ क्योंकि फ्रेंड्स नॉनवेज बनाने से पूरा किचन गंदा हो जाता है, गैस स्लैब, फिर पीछे का टाइल्स पूरा गंदा हो जाता है। तो मैं सभी बनाने के बाद सभी को अच्छा से साफ़ सफाई कर देती हूँ, जितना भी ऊपर में तेल का छींटा पड़ा हुआ रहता है तो सभी को मैं खूब अच्छे से साफ़ सफाई कर दी हूँ। मेरा खाना बन गया है लेकिन अभी कोई खाया नहीं है, नीचे का भी मैं दिखा दे रही हूँ, देखिए
तो मैं बहुत साफ़ सफाई के साथ काम करती हूँ, खाती ठीक हूँ नॉनवेज, लेकिन मेरा पूरा काम साफ़ सफाई के साथ होता है। अभी खाना दो बज रहा है, हम लोगों का खाना होगा 3 बजे। और ये देखिए मैं सारा बर्तन निकाल दी हूँ इसे धोने के बाद, फिर मेरा नेक्स्ट काम होगा। उसके बाद मैं कोई वीडियो शूट नहीं की हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद मैं इवनिंग में मिल रही हूँ, चाय बनाने के लिए आ गई हूँ। 6 बज रहा है शायद, तो मैं दूध भी लेके आ गई, मैं ही जाती हूँ दूध लाने के लिए। और चाय का 2 पैकेट दूध भी मैं मंगा ली हूँ, तो वो दूध को भी गर्म करना है। एक तरफ मेरा चाय भी हो रहा है, और ये दूध का अभी मैं बॉयल नहीं करूँगी, इसे इसका छेना निकालना है। तो ये मैं बाद में जब रोटी बनाने आऊँगी तभी, फ़िलहाल मैं अभी चाय बना लेती हूँ अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए। और मैं चीनी वाला चाय ही पी रही हूँ अभी, चीनी मैं छोड़ ही नहीं पा रही। मैं चाय क्या बोलूँ, मैं चाय छोड़ ही नहीं पा रही हूँ। ग्रीन टी मेरा रखा हुआ है, पर चाय का जो नशा है ना, चाय क्या बोले तो एक एनर्जी ड्रिंक है मेरे लिए। चाय पी लेती हूँ तो एनर्जी मिल जाता है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, और नहीं तो लगता है ना कि कुछ छूट गया है, कुछ छूट गया है। मैं दूध दिखा रही हूँ, दूध लेके आ गई। और यहाँ पे सभी जगह से थोड़ा सा कम ही ठंडा पड़ता है, तो कभी स्वेटर पहन के काम कर लेती हूँ, कभी स्टॉल लेके भी काम मेरा चल जाता है। ठंडा यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ से जनवरी महीना में थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे ठंडा पड़ता है, थोड़ा सा कम ही है सभी जगहों से। और प्यास भी लगी थी तो मैं गर्म पानी नहीं ली, वहाँ बोतल में पानी रखा हुआ था तो मैं ठंडा पानी ही ले ली। एक तरफ मेरा चाय हो रहा है, दूसरे तरफ मेरा दूध बॉयल हो रहा है। फ्रेंड्स आज का सिंपल सा रूटीन मैं शेयर की हूँ आपके साथ में। फ्रेंड्स मैं अभी खाना बना के आई हूँ, रात का खाना, बज रहा है 11:15 हो रहा है। तो दिन का खाना मैं शेयर की हूँ, रात का खाना में मेरा रोटी आलू की सब्जी मैं की हूँ, साथ में अंडे भी बॉयल करती हूँ। और फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक दे के जाइएगा, फुल वॉच नहीं कर सकते हैं, 3 मिनट 4 मिनट इतना सा वॉच कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं शेष कर रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, गुड नाइट।